करके, तो उससे वो बहुत आश्वस्त है। पर मुझे लगता है कि अंततः लोगों की कॉन्शियस ये अलाउ नहीं करेगी कि वो वोटी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट दें, तो हमारे सभी कांग्रेस के जितने भी विधायक गण हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस की सरकार को मजबूत बनाने का भरसक प्रयास। कल शाम को आपकी बैठक हुई है, उसमें ये भी जानकारी निकल कर आई कि काफ़ी विधायकों ने जो है नाराजगी भी जाहिर की है, क्या लगता है? नहीं, उस बैठक में तो कोई नाराज़गी नहीं जाहिर की। एक तो डिनर था, हम सब इकट्ठे हुए, सब बैठे और जो हमारे नेतृत्व है उन्होंने अपनी अपनी बात की, सबसे अपील की कि आप लोग कांग्रेस का समर्थन करें, किस तरीके से वोट होगी, किस तरीके से आपने उसमें वोटिंग करनी है, उसके निर्देश दिए गए, तो सभी ने उसमें सहमति जताई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस इसमें सफल होगी। ये संकट की घड़ी जरूर खड़ी हो गई है क्योंकि हमें आशा नहीं थी कि भाजपा कोई कैंडिडेट फील्ड करेगा, पर अंततः जो इन्होंने एक कैंडिडेट को फील्ड किया है उसको लगता है कि केंद्र सरकार का आशीर्वाद है और वो बड़े आश्वस्त होकर फील्ड में निकले हैं। पर मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस इसमें सफल होगी और हम अवश्य सरकार का स्टैंड मेंटेन करेंगे और सरकार हमारी बरकरार रहेगी। समय समय पर ये जो नाराजगी है विधायकों की, ये सामने आती रही है, मुझे क्या आपको बताएगी, क्या कारण क्या है, क्यों आपके कारण? देखिए, मैं आपको सच बात बताऊं कि हमने जब सरकार फॉर्मेशन की बात थी तो जितने भी विधायक जीत कर आए थे उनको कुछ कुछ उम्मीदें सरकार से थी। जैसे मैं मान लिया राणा जी की बात करती हूँ, वो कहते थे कि मैंने धूमल जी को हराया और बहुत बड़ी शख्सियत थी जिसको मैंने हटाया, तो उनको आशा थी कि मुझे कहीं ना कहीं स्थान मिलेगा। उसमें थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया, उनको कहा, पर एक जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी थी कि आप हमीरपुर क्षेत्र से दो दो तीन तीन को नई रिप्रेजेंटेशन दे सकते, तो ये एक संकट था। और उनको प्रॉमिस भी किया गया कि वक्त आएगा तो हम आपको अकोमोडेट करेंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हालात हमारे सामने हैं और मुख्यमंत्री कह ही रहे हैं कि उनको हम कहीं अच्छा पद देंगे, मान सम्मान देंगे। और मुझे लगता है कि इन बातों को सुनकर अब हमारे जो विधायक थोड़े बहुत नाराज़गी की तरफ जा रहे थे उनको भी हमने मनाने का काम किया और वो भी इस बात को समझ चुके हैं। तो अंततः हमारी कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। हमारे जो नाराज़ कैंडिडेट थे या थोड़े उनको लगता था कि हमारे को मान सम्मान नहीं मिला, उनको भी अकोमोडेट करेंगे, उनको भी कहीं ना कहीं स्थान देंगे और हमारी कांग्रेस पार्टी को और सरकार को कोई खतरा नहीं है। क्या जयराम ठाकुर बार बार अंतरात्मा की बात कह रहे हैं, आपको एज ए कांग्रेस अध्यक्ष क्या लगता है, अंतरात्मा क्या मायने? अंतरात्मा तो वही जाने, व्हाट अंतरात्मा मीन योर कॉन्शियस, व्हाट इज योर सबकॉन्शियस सेइंग। अगर हमारी आत्मा बोलती है कि नहीं, हमने जिस पार्टी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी है आखिरकार उसके साथ हमको खड़ा, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है और हम करेंगे। हम औरों को भी जो हमारे इर्द गिर्द में हमारे को नाराज़गी दिखती है, कोई लोग हमारे से दूर जाना चाहते हैं, उनको भी हम गले लगाएंगे, उनको भी साथ लेके चलेंगे। और हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है। मैम, क्या सुधीर और राजेंद्र राणा ही नाराज है, इसके अलावा कोई और भी नाराज है विधायक? देखिए, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, ना मेरे से किसी ने ये बात की है। अब कौन नाराज है कौन नहीं है, वही सबकॉन्शियस वाली बात आ गई कि गॉड नोज दिल में क्या है और बाहर क्या है, दैट आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। भाजपा ये क्लेम कर रही है कम से कम 10 वोट छिटक जाएंगे कांग्रेस, वो तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, डराने के लिए भी करेंगे और अपना बल दिखाने के लिए भी करेंगे। तो दैट इज़ वी हैव टू वेट फॉर अनदर फ्यू आवर्स एंड व्हेन देन पिक्चर विल बी क्लियर एंड वील नो कि क्या हो रहा है। देखिए, जहाँ तक मनु सिंघवी जी की बात है, ये तो हम सब जानते हैं कि एमिनेंट लॉयर है वो और देश के जाने माने वकील हैं। उनको हमारे हाई कमांड ने फेल किया है, जो हाई कमांड का फैसला होगा उनके फैसले के हम ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, उस पर प्रतिक्रिया करनी भी गलत बात है। तो जो उन्होंने दिया है, जिसके लिए उन्होंने हमको आदेश दिया है, तो हम उनके साथ खड़े हैं और उनको अवश्य हम सफल बनाएंगे।